ये दोस्तों, हम इस HTML के वीडियो में सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने HTML के पेज में इमेज को ला सकते हैं। तो इमेज को लाने के लिए हमें सबसे पहले इमेज सोर्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम टैग बोलते हैं। तो आइए हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है image.html। दोस्तों इसका एक्सटेंशन जो होगा .html होगा। अब हमने एक फाइल क्रिएट की images.html, जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर HTML का बना रहे हैं। HTML टैग का यूज़ हुआ है, यहाँ हेड टैग का यूज़ हुआ है। अब हम अपनी बॉडी क्रिएट कर रहे हैं, और बॉडी क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे हमारी इमेज सोर्स का टैग का यूज़ करने वाले हैं। जैसे हमने img src, ये सोर्स का एक एब्रीविएटेड फॉर्म है, और हमने इस सोर्स के अंदर हमारी इमेज का नाम दे दिया है, ब्रैकेट के अंदर 136.jpg। jpg फाइल को हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। और दोस्तों, इस इमेज सोर्स कीवर्ड के अंदर अल्टरनेट नाम के कीवर्ड का, या कह सकते हैं एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। ये एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ होता है ताकि अगर किसी वजह से हमारी इमेज फाइल ना खुल पाए तो उसका एक अल्टरनेट फॉर्म हो जिसके थ्रू हम अपनी इमेज को खोल सकें। तो आइए हम इस पहली इमेज को का नाम चेंज करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने देखा कि हमारे पास इमेज एक अल्टरनेट फॉर्म आ गया है यहाँ पे। दोस्तों, इमेज को डालने के लिए और भी हमारे पास तौर तरीके हैं, और आइए हम इस इमेज का लेंथ और विड्थ सेट करते हैं, जिसके लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हम उसकी हाइट और लेंथ दोनों को स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ डबल कोटेशन के अंदर विड्थ कीवर्ड का यूज़ किया है, विड्थ में हम इसकी विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल, और हमें इसकी लेंथ भी देनी होगी। याद रखिएगा दोस्तों, हाइट और लेंथ देने के लिए हमें स्टाइल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। यहाँ हमने अपने विड्थ को सेमीकोलन से एंड किया, और यहाँ हमने हाइट दे दी 200 पिक्सल्स। अब हम देखते हैं कि हमारी फ़ाइल का क्या हुआ। हमने देखा कि हमारी फ़ाइल का जो साइज़ है, वो इमेज का जो साइज़ है वो चेंज हो चुका है। उसकी हाइट है 200 पिक्सल और विड्थ है 200 पिक्सल। अब यहाँ हम नीचे एक दूसरा इमेज अपलोड करने वाले हैं। हम img src, इसको दोस्तों हम कहते हैं टैग। हमने यहाँ पे programming.gif फाइल का एड्रेस दे दिया है, और यहाँ पे अल्टरनेट कीवर्ड का फिर से एक और बार हमने यूज़ किया है। दोस्तों, आइए हम एक बार विज़िट करके देखें, एक बार रिफ़्रेश करके देखें क्या हुआ। हमने यहाँ देखा कि एक छोटा सा इमेज यहाँ पे अपलोड हुआ है, जिसका नाम है programming.gif। हम फिर से यहाँ पे, दोस्तों ज़रूरी नहीं कि आप स्टाइल कीवर्ड का यूज़ करें, हम इसे बिना यूज़ किए भी इसका विड्थ और लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ विड्थ 200 पिक्सल और हाइट भी फिर से हमने 200 पिक्सल दे दी है। अब दोस्तों रिफ्रेश करके देखें, हमने देखा कि हमारी जो इमेज का साइज़ है फिर से बड़ा हो चुका है, क्योंकि हमने उसका साइज़ बड़ा कर दिया है। दोस्तों, हम चाहे तो अपने पैराग्राफ टैग के अंदर भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं बीच में। जैसे कि हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने लिखा है दिस इज़ अ इमेज, और उसके जस्ट बाजू में हमने यहाँ पे एक फिर से इमेज सोर्स टैग का यूज़ किया, और यहाँ पे एक और इमेज हमने अपलोड कर दिया। आइए दोस्तों, हम इसका देखते हैं कि ये इमेज अपलोड हुई या नहीं। अगर हम चाहते हैं दोस्तों कि हमारी इमेज लेफ़्ट में फ्लोट करे, तो इसके लिए हमें एक कीवर्ड होता है फ्लोट, इसे यूज़ करना पड़ेगा, जिसे हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर सेमीकोलन में डाल देंगे फ्लोट। इससे हमारी जो इमेज होगी वो लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में सेट हो जाएगी। आइए इसे हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, और देखा हमने कि स्क्रीन में लेफ़्ट साइड में ये इमेज सेट हो चुकी है।
तो इस तरीके से हम इमेज को जिस तरीके से चाहें अपलोड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे स्टाइल में फ्लोट कीवर्ड का इस्तेमाल देखा दोस्तों। और भी हम चीज़ें हैं जो सीखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ फिर से इमेज सोर्स टैग का यूज़ किया। हम इसमें बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारा इमेज जो है वो किसी फोल्डर में सेव है, तो हम किस तरीके से किसी दूसरे फोल्डर में अगर वो इमेज सेव है तो किस तरीके से हम उस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे इमेजेस नाम का एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर हमने इमेज डाल दी है। तो इसे करने के लिए हमें ये करना होगा कि उस इमेज का फोल्डर, वो इमेज किस फोल्डर में सेव है, उस फोल्डर को और स्लैश दे के उस इमेज का नाम देना होगा। इस तरीके से इमेज अपलोड हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम डायरेक्टली इमेज को अपलोड कर सकते हैं, या फिर अगर वो किसी फोल्डर में सेव है तो उस इमेज को किस तरीके से हम ला सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक और बात कि अगर हमारी इमेज कहीं हमारे डेटाबेस में सेव है तो हम उसे लिंक के थ्रू भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ आप देख सकते हैं कि HTTP ये हमने मैंने लिंक दी है जहाँ ये इमेज सेव है google.com में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। धन्यवाद।